वर्ष 2024, यानी कि इसको अगर हम सम अप करते हैं और सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आते हैं तो ये नंबर 8 के ऊपर आएगा। नंबर 8 शनि का अंक होने के साथ साथ में जिन भी लोगों की जन्म पत्री के अंदर नंबर की एनर्जीज को लेने की कैपेबिलिटी रहेगी, वो लोग जो हैं इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो एज पर द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन देयर चार्ट या नेगेटिव हो। तो आज हम बात करते हैं शनि के अंक वाले ईयर 2024 की, और देखते हैं कि शनि किन लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर किस तरह से प्लेस्ड होने के कारण क्या क्या हमें इस साल में तोहफे के रूप में देने वाला है, या किस तरह के चैलेंजेस जो हैं हम लोगों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 8 जो शनि का नंबर है, इसे कार्मिक नंबर क्यों बोला गया? क्योंकि हर एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसका कर्मा वहीं से ही शुरू हो जाता है, और जब तक वो जीवित है एंड तक वो कोई ना कोई कर्म करता है, तभी वो जीवन यापन करने में समर्थ होता है। तो जीवा और कर्म दोनों आपस में वेल कनेक्टेड हैं। जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर गुरु और शनि दृष्टि संबंध से त्रिकोण में एक दूसरे के या फिर इकट्ठे हों, उनके लिए जिनके बर्थ चार्ट के अंदर शनि वक्री हैं, और जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में शनि जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं, शनि की जिनकी साढ़े सती लगी हुई है, या अंक गणित की अगर हम बात करें, अंक ज्योतिष की अगर हम बात करें, तो जो लोग 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, या जो 8th मंथ में भी पैदा हुए हैं, उन सब लोगों के लिए 2024 इज गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर। तो ज़्यादातर तो शनि जो है ये चैलेंज देता है, डिले करवाता है, लेकिन डिनाइल कभी नहीं होते। जो लोग कर्म की परिभाषा को समझते हैं, उन्हें अपने कर्मा के ऊपर फोकस करना है। फल की इच्छा नहीं करते हुए अगर हम अपने एफर्ट्स 100% करते चले जाएंगे, तो ये जो शनि का साल है, इस समय में हमें लाइफ में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और हम जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। अपनी फाउंडेशन ईयर की तरह अगर हम इस ईयर को लेंगे, तो हम आने वाले समय के लिए अपना एक मजबूत नींव जो है वो इस समय में बना लेंगे। तो जितने भी लोग शनि वक्री वाले हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर जितने भी चैलेंज हैं, और अगर आपने उन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उनके ऊपर फोकस्ड हो के अपना कर्म जो है वो करते चले गए, तो आपके लिए सफलताएं जो हैं वो खड़ी हुई हैं, आपको आगे लेके जाने के लिए रास्ते आपके बनते ही चले जाएंगे। अब जब हम कर्म प्रधान ईयर की बात करते हैं, गुरु की, जीव की और कर्मा की बात करते हैं, तो इन सब के साथ साथ में शनि हम लोगों से एक ही चीज मांगता है, दैट इज आर ऑनेस्टी एंड आर बिहेवियर विद आर सबॉर्डिनेट्स। अपने सहयोगियों के साथ जितना हम सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे, उतना ही शनि ग्रह हम लोगों को सपोर्टिव तरीके से हमारी मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हमें भी ऐसे मेंटोर मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमें मदद करें, क्योंकि ये तो एक हायरार्की है। अगर हमसे नीचे कोई है तो हमसे ऊपर भी कोई है। तो इस तरीके से शनि की जब एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि कर्म प्रधान ग्रह होने के साथ साथ में ये हम लोगों से सिर्फ एक ऑनेस्टी, एक डिसिप्लिन और एक अच्छे बिहेवियर की ही आकांक्षा रखता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ईयर है, इसमें क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के चेंजेस हम अपने जीवन में देखने का एक इंडिकेशंस लेके चले। सबसे पहले शनि वात रोग, यानी कि 3 रोग में से वात रोग को
हमारे शरीर के अंदर बढ़ाता है, इम्बैलेंस करता है। और अगर आपकी अच्छी स्थिति में शनि नहीं है तो आप इस साल के अंदर अर्थराइटस, जॉइंट पेन्स, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं और बहुत सारे ऐसे रोग देख सकते हैं जिसमें कि डिफॉर्मिटी होती है आपके बोन्स की। तो आपको शनि ग्रह की एनर्जीज को बैलेंस आउट करने के कुछ रेमेडीज मैं बाद में जरूर बताने वाली हूँ। आप उन्हें करेंगे तो आप इसके नेगेटिव जो इम्प्लिकेशंस हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्शन दे पाएंगे। नंबर 8 की बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम लाइव एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 नंबर पे ही पैदा हुए हैं। उनका मूलांक जो है 8 है और उनकी विजन को पूरा विश्व जानता है कि कितने विजनरी एक्शंस उनके रहे हैं कि उन्होंने हमारी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नंबर 5 कंट्रीज के ओहदे के बीच में लाके खड़ा कर दिया है। और इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी जिनका नंबर 8 था, उनका विजन देखिए, जब 1991 में भारत के पास 15% फंड्स रह गए थे सर्वाइवल के लिए, उस टाइम पे उन्होंने पूरे देश का जो गोल्ड था उसे मोर्टगेज किया विश्व स्तर के ऊपर और उस पैसे को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स में लगा के इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिससे कि विद इन 10 ईयर्स हमारी कंट्री 10 इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज में गिनी जाने लगी। उनका विजन देखिए। तो ये एक विजनरी नंबर है और ये एक विजडम को भी शो करता है। नंबर 8 का ईयर्स डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ ईयर फॉर पीपल हु लव देयर वर्क, जो अपने काम से प्यार करते हैं, जो अपने कर्म से प्यार करते हैं, अपने कार्य को फोकस्ड और लगन के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि कितना हेक्टिक था, कितना टायरिंग था, लेकिन लगन और मेहनत से लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही रिवार्डिंग ईयर रहने वाला है। और इस ईयर में पर्टिकुलरली जो मूलांक की बात होती है उस पर भी अभी चर्चा करूंगी, बताऊंगी कि कौन कौन से मूलांक के लिए ये ईयर किस तरह का रहने वाला है। इससे पहले अगर हम 8 नंबर की बात करते हैं तो ये एक पर्सपेक्टिव देता है, देखने का नजरिया देता है। और जिस तरह का हमारा नजरिया होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी तरह की चीजें हम कर पाएंगे और समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो जीवन के अंदर अगर हम 8 को ध्यान से देखें तो दिस इज अ नंबर, अगर इसको हम टिल्ट करते हैं तो इट इज अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी, मतलब कि जीवन के अंदर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और ये एक ऐसा ईयर है जो कि 2015 में भी जब आया था तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था। इसके बाद में अब 2024 में अगेन इट इज गोइंग टू गिव बूम टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। रियल इस्टेट में बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ने वाले हैं। गोल्ड, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का नंबर है, शनि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो गोल्ड के अंदर भी एक उछाल आने वाला है। जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा गोल्ड के अंदर और जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में किया होगा रियल इस्टेट में, ये वो टाइम है जिस टाइम पे वो अपनी चीज़ों के दाम जो हैं वो एक्चुअली ले पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी इनको। तो विजन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मोदी जी का विजन है, तो नंबर 8 और 24 आप देखिए कि किस तरह से सिंक करेगा उनके एनर्जीज को। आने वाले समय में जो इलेक्शंस भी हो रहे हैं उसमें भी 8 नंबर के लोगों को विनिंग साइड में लेके चलने की कैपेबिलिटी रखता है, ब्लेसिंग्स देगा ये। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि इलेक्शंस किसके हक में जाने वाले हैं। एक बच्चा बच्चा भी इस चीज़ को समझ सकता है, बता सकता है कि 8 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में दोबारा से कमल खिलेंगे और पूरी हमारी जो कंट्री है इसके अंदर एक भगमा का जो परचम है वो लहराने वाला है। नंबर
एट की अगर हम बात करते हैं, इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो इनको इनकैश करने के लिए सिर्फ हमको मोहब्बत के साथ अपने काम को करना है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट जॉडिक साइंस के लिए किस तरह का ये रहने वाला है। अगर अगर हम शनि के ही साइंस की बात करते हैं, कैप्रिकॉन की बात करते हैं, एक्वेरियस की, लिब्रा की बात करते हैं, जहाँ पे शनि एग्जॉल्टेड होता है, तो ये वो तीन जॉडिक साइंस हैं जिनको इस पर्टिकुलर समय के अंदर अचानक ही धन लाभ होगा। जॉब में उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर वो किसी बिजनेस में है तो बिजनेस डेवलपमेंट में उनको कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाएगा, धन राशि मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट के लिए फंडर्स मिल जाएंगे। रीलोकेट होना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो रीलोकेशन के लिए भी दिस विल बी गोइंग टू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वाला, जिसको हम बोल सकते हैं अवसरों वाला समय। इन लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है कि ये जितना भी आप कार्य करेंगे उसके साथ साथ में एक रेमेडी जरूर करें, यानी कि अपने जीवन के अंदर जो आलस है उसको त्याग दें और एक एक पल के मूल्य को समझते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। अपने वर्क प्लेस पे इन्हें एक माउंटेन की पिक्चर लगानी चाहिए, जिससे कि इन थ्री जॉडिक साइन वालों को 24 का जो ईयर है ये बहुत ज़्यादा सफलताएं देके निकले। एक और रेमेडी है जिसमें कि जैसे इन जनरल ये रेमेडी हर एक जॉडिक साइन, हर एक मूलांक के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, क्योंकि शनि क्योंकि धीमा चलने वाला प्लेनेट है और इसको अगर हम 2024 ना लिख के 24 लिखें तो जो धीमी गति है वो उसका कन्वर्जन हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएंगी चीज़ें, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो समय से पहले आप उन्हें पूरा करने की तरफ लेके चल पड़ेंगे। बात करते हैं वाटर साइंस की, तो वाटर साइंस में कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो जो साइंस जॉडिक साइंस है, वाटर एलिमेंट जो है, ये थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे ये लोग, और शनि के ईयर में इनका जो मेन कंसर्न रहेगा दैट विल बी अपनी जॉब के बारे में, इनसिक्योरिटीज जो होंगी उनको लेके थोड़ा चिंतित रहेंगे। ओवर थिंकिंग की जो हैबिट होती है उसको, उससे बचने की ज़रूरत है इन लोगों के लिए। जितना ये बचेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा होगा, और ये अपने जीवन के अंदर अगर अपने इमोशंस के ऊपर वर्क कर लेंगे, मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर लेंगे और अपना पूरा फोकस इन चीज़ों से बाहर निकाल के कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ कर्म पे लगा देंगे, आज पे जीना शुरू कर देंगे, तो इनके लिए इससे बड़ी रेमेडी कुछ नहीं है। अगर हम बात करते हैं फायर साइंस की, तो जितने भी फायर साइंस हैं, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, इनमें एक आदत रहती है एंग्जाइटी की, हर काम बहुत जल्दी चाहिए, और जब भी शनि से रूल्ड ईयर आते हैं उस समय में इनका चैलेंज इसी चीज़ को डील करने में ज़्यादा हो जाता है कि किस तरीके से आपको नॉन रिएक्टिव बिहेव करना है, आपके साथ में आपको प्रोवोक करने के लिए जितनी भी सिचुएशंस बनती हैं उसमें आपने कैसे पेशेंटली डील करना है, अपनी पेशेंस के ऊपर कैसे वर्क करना है, वो ही इनके लिए मूल मंत्र रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे टू साइंस की, वर्गो एंड जेमिनाई की, और एक और साइन टॉरस, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इनमें जो फर्स्ट हम दो साइन मरकरी के साइंस की बात कर रहे हैं, तो मरकरी शनि का फ्रेंडली प्लैनेट है, तो 5 नंबर और 8 नंबर कॉम्बिनेशन में बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। तो 5 नंबर और मरकरी के ये जो दो जॉडिक साइंस हैं, वर्गो एंड जेमिनाई, अभी हम जॉडिक साइंस की बात कर रहे हैं, और साथ साथ में हम 5 नंबर की और 8 नंबर की बात आपको बताते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जो है 5 नंबर पे है अंक गणित के मुताबिक, और उनका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर पे आता है मूलांक, तो वो आप देख ही सकते हैं कि विश्व स्तर पे उन्होंने कितनी ख्याति हासिल की है, और अकेले ही उनके जो नेतृत्व में विश्व पटल के ऊपर जो हमारा नाम और कीर्तिमान जो उन्होंने स्थापित किया है, आपने G20 की सफलता देखी, आपने चंद्रयान की सफलता देखी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो, और राम मंदिर जिसने हमारे अंदर के राम को जीवित कर दिया, हमारे सनातन को जीवित कर दिया, तो जो ये
करने की क्षमता है 5 और 8 के कॉम्बिनेशन में, वो आपको दिखाई दे रही होगी और समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ये दो जॉडिक साइंस जो है इनके लिए तो ये एक्सलेंट ईयर है। बस इनको अपना इम्पल्सिव नेचर जो है उस पर कंट्रोल करना है। इनको ये देखना है कि आपके अंदर का जो एक बचपन है, जो एक इम्पेशेंट बिहेवियर है, उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो इनके पास में हर चीज को करने के लिए ये एक अच्छा सुनहरा मौका है। 24 यानी कि 2024 8 नंबर का ईयर। टॉरस के लिए रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सफुलनेस का ईयर है। बाकी अगर हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो आप कभी भी देखेंगे 4 और 8 जो हैं ये एक तरह से इस तरह के नंबर हैं कि जिनमें जब भी के ईयर आए हैं तो अनडिटेक्टेबल डिजीजेस को भी लेके आए हैं। 2020 में कोविड आया, उसके बाद में अगर हम देखें कि 2024 में क्या हो सकता है, 8 नंबर का ईयर है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं जो अनडिटेक्टेबल, कुछ भी एक ऐसी चीज हेल्थ के सेगमेंट में उभर के आ सकती है जिसको कि हमें टैकल करना पड़े, चैलेंज की तरह आ सकती है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो है, कौन सा शेयर मार्केट में किस जगह पे हमको ज़्यादा फायदा होगा, रियल इस्टेट में फायदा होगा, गोल्ड में फायदा होगा, फार्मा इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डिफेंस के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनमें हमको फायदा होने वाला है, स्टील सीमेंट इसमें भी हमें फायदा होने वाला है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको भी ध्यान में रखें। हेल्थ के लिए अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ के लिए हमारी जो जागरूकता है, हमारा लाइफस्टाइल, शनि गेट्स इट्स एग्जॉल्टेशन इन द साइन ऑफ लिब्रा एंड गॉट इट्स डेबिलिटेशन इन द साइन ऑफ एरिस। मंगल की राशि में ये डेबिलिटेट भी होता है और मंगल जो है वो शनि के घर में उच्च का हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें डेबिलिटेशन वाले कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए मंगल की एनर्जीज को बढ़ाना है। जब हम मंगल की एनर्जीज को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें सुबह उठ के वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, या कोई ना कोई एक कंसिस्टेंट एक नियम बनाना है अपने जीवन में। जैसे कि अगर हम डेली सुबह उठ के अपने नियम के अनुसार कम से कम 15 मिनट की ही वॉक कर लें और एक मंदिर में जाना शुरू करें, या किसी भी धर्म को हम मानते हैं वहां पे एक विजिट करके आ जाएं, मतलब उतना सही चल के हम वापस आ जाएं, तो दो तरह से, एक तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की उसमें एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगी, दूसरी हमारी जो गतिविधियां हैं वो हमें हेल्प करेंगी, तीसरा शनि जो है ये एक चीज हमें बार बार सिखाता है कि आपके सबॉर्डिनेट्स, आपकी जो हाउस हेल्प है, आपके जो सोसाइटी के गार्ड्स हैं, आपके घर के जो रखवाले लोग हैं, उन सबको आप टिप जरूर दें। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट जॉडिक साइंस में क्या क्या रेमेडीज करके नंबर 8 के ईयर को अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, फायर साइन वालों के लिए एक ही रेमेडी है कि डेली लाइट अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ एनी गॉड और गॉडेस जिनके साथ उनका फेथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो अपने आसपास कहीं पे भी कैंडल्स जला के थोड़ी देर रिलैक्सेशन जो है उनके आसपास कहीं बैठें और उसको एंजॉय करें, उस डिम लाइट को। इससे क्या होगा, उनकी एनर्जीज को बहुत ऑरा में जो चेंज आएगा, जो फ्रीक्वेंसी उनकी चेंज हो जाएगी, जो ऑरा उनका बदलेगा, उससे शनि के साथ में उनका जो एक कनेक्ट है बेटर हो जाएगा। दूसरा है कि जितने भी जेमिनी वर्गो और टॉरस की हम बात करते हैं, इनको फ्लाइंग बर्ड्स के पेंटिंग या पोस्टर्स जो है अपने लिविंग एरिया में या अपने वर्क प्लेस के ऊपर जरूर लगाने चाहिए, जिससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी माउंटेन्स पे जाना, ट्रेवल करना, ये कैप्रिकॉन एक्वेरियस और लिब्रा का साइन है, उनके लिए कर सकते हैं। कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियंस के लिए जो रेमेडी है, किसी भी आप वाटर बॉडी के पास बैठ के रिलैक्स करें, डेली डीप ब्रीथ करें और लाइफ में अचीव करना चाहते हैं अगर कुछ, तो शनि की सबसे प्राइम रेमेडी एक ही है कि हमें
डीप ब्रीथ करना है, प्राणायाम करना है। जितना ज्यादा हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा शनि बेटर होता चला जाएगा। तो पेशेंस, फोकस, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, यही मंत्र है। बात करते हैं मूलांक की। 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं उनके लिए 2024 किस तरह का रहने वाला है और कौन सी उनकी लाइफ की थीम रहेगी वो हम संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, 10, 19 और 28 को जो लोग पैदा होते हैं उनमें सूर्य की एनर्जी एक्सेसिव होने करके उनको हाइपर एक्टिव रिजल्ट्स की अपेक्षा हमेशा रहती है और दुनिया में वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शनि आउटर मोस्ट प्लेनेट है लेकिन इसकी भी एनर्जीज कुछ बड़ा करने की है। तो जब दोनों की एनर्जीज एक साथ इकट्ठी हो रही हैं तो उस समय में शुरुआत में तो ये लोग कोई भी कार्य को बहुत जल्दी से अपने प्रोजेक्ट को पकड़ लेंगे और बहुत एंथुजियाज्म के साथ उसे, बहुत जील के साथ उसे शुरू कर देंगे, लेकिन आखिर आते आते तक एकदम उनकी एनर्जी जो है उनका उसमें मन लगना कम हो जाएगा। तो अपने इस ड्रॉबैक के ऊपर आपको वर्क करने की इस साल में जरूरत रहेगी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी डिसीजन, कोई भी इमोशनल फ्रंट के ऊपर, रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं उदासीनता से बचना है और आपको ये देखना है कि किस तरह से आपको अपने लाइफ पार्टनर को या अपने पार्टनरशिप्स को बैलेंस आउट करने में इनपुट देना है। अपने एग्रेशन को, अपने एंग्जाइटीज को ओवरलुक करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो आपके लिए एक थेरेपी है यानी कि वाटर थेरेपी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना है कि किसी वाटर बॉडी के पास बैठ के कम से कम 5 मिनट या कम से कम 10 मिनट टाइम स्पेंड करना है या वहां पे बैठ के अपना प्राणायाम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। ये एक रेमेडी है जिसमें आपका जो काम के प्रति इंटरेस्ट है वो बना रहेगा और आप कार्य को पूर्णतः सक्सेसफुली कर लेंगे, चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बड़ा करके दिखाना अगर आपकी चाहत है तो उसमें आपकी एनर्जीज आपका साथ दें, तो ये वाला जो थेरेपी है इसका आप सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 यानी कि 2, 11 और 29, 20, इस पे जो भी लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक 2 आता है। अब 2 नंबर जो है इसमें मूड स्विंग्स, इमोशनल होना और पैसे के बारे में बहुत ज्यादा जो एक इम्पल्सिवनेस है उससे बचने की जरूरत रहेगी नंबर 8 के ईयर में, क्योंकि इनके पास में बहुत मोटा पैसा अचानक आने वाला है। अगर आपके पास में धन इकट्ठा आने वाला है तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट इम्पल्सिवनेस के साथ नहीं करनी है, सोच के, प्लानिंग से, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरीके से आप कीजिए ताकि एक जो रिटर्न है वो भी एक स्टेबल हो और जीवन के अंदर कोई भी आपको रिग्रेट ना रहे कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया था। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर, 12 नंबर, 12 की डेट, 21 की डेट और 30 को जो लोग पैदा होंगे गुरु के नंबर पे पैदा हुए लोग हैं। और गुरु का ये ईयर और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रूव होने वाला है। जो भी लोग जुडिशरी के पेपर दे रहे हैं या आईएएस के पेपर दे रहे हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ झुकाव है या कोई नए कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ओकल्ट में जाना चाहता है या कुछ एक रिसर्च वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको इसमें अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है और सबके साथ विनम्र भाव से ही पेश आना है, यही आपकी रेमेडी है। और आपके लिए बुक्स को डोनेट करना, किसी स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप देना, ये एक रेमेडी रहेगी ताकि आपकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आपके साथ चल पाए। नंबर 4 के लोग यानी कि राहु का अंक, और 4 नंबर से लोग डरते भी हैं। 4, 13, 22 यानी कि राहु के अंक पे जितने भी लोग पैदा होते हैं उनको ये लगता है कि जीवन के अंदर अकस्मात बहुत ज्यादा जो चीजें हैं उनकी लाइफ में बिना प्लानिंग के हो जाती हैं। एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पे आके पड़ेगी। नंबर 8 का ईयर है तो थोड़ा सा सावधान रहें, हेल्थ के बारे में ज्यादा सतर्क रहें। और जो लोगों के पास एक प्रोननेस भी है, लो इम्यून सिस्टम है जिनका, या ऑटो इम्यून से वो पीड़ित हैं, या अर्थराइटस या स्पॉन्डिलाइटिस जैसे इश्यूज हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्थ केयर की जरूरत रहेगी। उनको अपना
फिजिकल वर्क जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की सलाह से ही करें और अकॉर्डिंगली आप अपना डाइट प्लान भी करें। नंबर चार के लिए अगर रेमेडी की हम बात करते हैं तो एक ही रेमेडी है कि आपको जो सैटरडेज हैं उस दिन अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जितने हेल्प करने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीनी है। सिंपल सी रेमेडी है, हर कोई इसे कर सकता है। नंबर पांच की अगर हम बात करेंगे तो पांच के डेट पे पैदा हुए लोग 5/14/23 को जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए मरकरी का जो नंबर है और जो शनि का ईयर है ये एक्सीलेंट प्रूव होने जा रहा है। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन उनको मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, उनकी लाइफ में एक परिवर्तन आने वाला है। लेकिन उनको किसी से भी बात करते वक्त जो अपना इम्पल्सिवनेस है उसके ऊपर वर्क करने की हमेशा ज़रूरत रहेगी। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले सोचें कि आपने जो बोलना है उसमें कितना वजन है। इसीलिए सोच के समझ के ही बात करें तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। कोई यूट्यूबर है या कोई ब्लॉग लिखने वाला है या मीडिया से रिलेट करने वाले लोग हैं, फैशन इंडस्ट्री में अगर 5 नंबर के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही नेम फेम रिकॉग्निशन का ईयर रहने वाला है और बहुत अच्छा करने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। उनके लिए एक ही रिकमेंडेशन है कि आप ग्रीनरी अपने आसपास जरूर रखें, इंडोर प्लांट्स अपने आसपास रखें ताकि आपकी मरकरी की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाए, आपका ऑरा जो है, आपका व्यक्तित्व जो है और ज़्यादा निखर जाए। नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो 6 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, 15 को 24 को जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए इस साल में खर्चे कंट्रोल करके चलने की ही एक नसीहत है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत आने वाला है। गाड़ी, घर, रिलेशनशिप्स, इनके जो इश्यूज, अगर उनका उनका कोई रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा था, हो सकता है वो क्लोजर पे आ जाए, क्या न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, कुछ हैप्पीनेस भी आ सकती है, रिजॉल्व हो सकती हैं चीजें, अच्छी या बुरी डिपेंड करेगी कि आपने इस एनर्जी को किस तरीके से हैंडल करा है, कैसी समझदारी, कैसी मैच्योरिटी के साथ आपने डील किया है सिचुएशंस को। तो नंबर 6 के लोगों के लिए गाड़ी, घर और ज्वेलरी एसेट्स बनाते वक्त में सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपके जो खर्चे हैं या आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा। आप एक बार रीचेक कीजिए, पेपर वर्क देखिए, डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपरली रीड कीजिए, उसके बाद में ये साल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। नंबर 7 की बात करेंगे तो 7 नंबर केतु का नंबर है और जो भी लोग 7 को 16 को और 25 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक केतु के नंबर पे होने करके 2024 का जो ईयर है इसमें उनको अपने एक्शंस को वॉचफुल रहना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर वो ध्यान देते हैं, चलते हैं या अपने लाइफ का एक मोटो बना लेते हैं कि उनको एटलीस्ट जिस भी चीज में विश्वास है उसको नियम से करना है, तो ये काफी प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल रह सकता है समय। बात करते हैं मूलांक 8 की, 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर, यानी कि इस डेट्स के ऊपर जो भी लोग पैदा होते हैं वो शनि के नंबर पे पैदा हुए हैं और जब भी कभी जिस अंक की हम बात करते हैं उसी का ही साल चल रहा है, तो उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा होता है। बस उनको अपनी स्टबननेस के ऊपर वर्क करना है, अपने आप को विनम्र करके चलना है जितना ज्यादा वो, क्योंकि जब वो साल उन्हें बहुत कुछ देता है तो उस समय हमें हाई हेड वर्क नहीं करना, हाई हेडेड नहीं होना है, हमको ग्राउंडेड रहना है। जितना ज़्यादा हम ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज़्यादा हमें फ्रूट्स मिलेंगे, अच्छाई मिलेगी। आपके लिए एक ही रेमेडी है, वर्क कीजिए, सुबह उठिए, जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए और कोई ना कोई एक्सरसाइज अपने लाइफ में जरूर कीजिए। नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 9 का जो अंक है ये मंगल का अंक है और 9 नंबर पे 18 नंबर पे और जितने भी लोग हमारे 27 की डेट को पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए मंगल की एनर्जीज और शनि की एनर्जीज जब भी इकट्ठे चलती हैं तो चैलेंज बहुत रहते हैं, संघर्ष, लेकिन प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, यानी कि संघर्ष के बाद में सफलताएं मिलने की उम्मीद बरकरार रहती है। कुछ ना कुछ एंडअप होता है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत होती है। हो सकता है कि जो चीज़ें अब आपसे छूट रही हैं, हाथ से स्लिप हो रही हैं, उसके ऊपर आप अगर बैठ के रोएंगे या उस पर विलाप करेंगे तो वो आपके लिए खराब होगा। आप
गो विद द फ्लो वाला मोटो अपनाइए, और जो आपके जीवन में अभी घट रहा है उसे घटने दीजिए और आगे देखिए, आगे बढ़िए। यही आपके लिए महामंत्र की तरह प्रूव होगा, और आप जितना ज़्यादा हनुमान जी की शरण में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप एनर्जी के साथ प्ले करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में ठहराव आएगा और अच्छाई आपके साथ चलने लग पड़ेगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट मूलांक की बात आपके सामने रख चुके हैं। आप देखिए कि आपका मूलांक क्या है, आप उससे जोड़ के अपनी रेमेडी इसे सुनने के बाद में आराम से कर सकते हैं। तो 2024 इन जनरल इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर देम हु लव टू वर्क विद डेडिकेशन एंड विद क्रिएटिविटी। जो लोग काम को बर्डन की तरह करते हैं, उनके लिए हो सकता है शनि का ये साल बहुत ज्यादा अच्छा ना जाए, लेकिन जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, अपने कर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए शनि का ये ईयर रिवार्डिंग होगा, 100% रिवार्डिंग होगा। जो डिस्कशन है आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें से कुछ अच्छी चीजें आपने भी पिकअप की होंगी। एस्ट्रो पुनीत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।